बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि जातिगत जनगणना के बाद विकास को गति मिलेगी, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी का कहना है कि नीतीश कुमार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरह बिहार में जातिगत उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो शराबबंदी की तरह ही फेल साबित होगी। तो वहीं इसके खिलाफ अब किन्नर समाज ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। दरअसल इसे लेकर ट्रांसजेंडर लीडर रेशमा प्रसाद ने बड़ा बयान दे डाला है। इनका साफ कहना है कि बिहार में हो रही जातिगत जनगणना अपराध है। साथ ही ये तक कह डाला कि जहां जाति की बात होगी वहां समानता की बात हो ही नहीं सकती, इससे समाज में असमानता फैलेगी। साथ ही ये तक कहा कि सरकार को किसी की जाति पूछने का कोई अधिकार नहीं। इतना ही नहीं, रेशमा प्रसाद ने आरोप लगाते हुए ये तक कहा कि यहाँ के राजनेता नहीं चाहते कि बिहार जाति के बंधन से आगे बढ़े। हालांकि बहुत से ऐसे अच्छे नेता हैं जिन्होंने दूसरी जाति और धर्म में जाकर शादियां की और जाति के बंधन को तोड़ने की कोशिश की। बिहार में कराई जा रही जातिगत जनगणना किसी अपराध से कम नहीं है। बिहार में अगर जाति को जिंदा रखने की बात हो रही है तो ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि समानता और समाजवाद की बात नहीं हो सकती। बिहार के नेता जाति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। खासकर बिहार में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत बुरी हालात है। जब हम कह रहे हैं कि हम ट्रांसजेंडर हैं तब भी हमें ओबीसी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी जातियों पर आधारित है। सरकार किसी की जाति पूछने वाली होती कौन है? अगर ऐसी ही बात है तो सरकार को स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। जो लोग जाति और धर्म की बात करते हैं उन्हें सांप्रदायिक कहा जाता है। तो किस आधार पर जाति आधारित जनगणना हो रही है? अगर जाति की बात हो रही है तो वो बिल्कुल गलत है। वहाँ कहीं से भी समानता और न्याय की बात नहीं हो सकती। पूरे विश्व में जाति और धर्म के नाम पर अलगाव की स्थिति है। क्या लोगों की जाति को एस्टेब्लिश कर उसे दूर किया जा सकता है? बिहार सरकार अगर विकास के प्रति ईमानदार है तो उसे लोगों की जाति पूछने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग जाति की बात करते हैं वो अंबेडकर को नहीं मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा था कि देश में जाति को खत्म करना है। अगर लोगों के जातियों की गिनती की जाती है तो ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी राजनेता जाति के खिलाफ बात करने से डरता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी राजनीति जाति पर आधारित है। क्या जो लोग समाज सेवा का काम कर रहे हैं वो लोगों की जाति पूछकर उनकी मदद करेंगे? जाति के नाम पर हर समुदाय के लोगों के बीच बिखराव है, इसलिए जाति और धर्म का भेदभाव खत्म करने की जरूरत है, ना कि लोगों की जाति पूछने की कोई आवश्यकता। मतलब साफ है कि रेशमा प्रसाद ने बिहार में होने वाली जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा प्रहार किया है।